Hello friends, welcome to our channel Fun with Technical. Please subscribe to our channel and press the bell icon for get notification on my new video. रिलायंस जियो ने काफी लंबे समय बाद फिर से मामला गर्म कर दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रिलायंस जियो के फोन को खरीदने के लिए लोगों ने काफी सारे रजिस्ट्रेशन किए थे और जिसकी डिलीवरी शुरू भी हो चुकी है। कंडीशन थी कि आपको एक साल तक के लिए 1500 रुपए डिपॉजिट करने होंगे, उसके बाद में आपको 1500 रुपए वापस मिल जाएंगे और फोन भी आपका ही हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उल्टा आपको 1500 रुपए उन्हें देने होंगे अगर आप फोन वापस करना चाहते हो तो। और अब आप कहोगे कि भाई हम उन्हें उल्टा 1500 रुपए क्यों दें, हम फोन वापस ही नहीं करेंगे। तो भाई दूसरी कंडीशन यहाँ पर यह है कि अगर आप फोन को वापस नहीं करोगे और फोन को कंटिन्यू यूज करना चाहोगे तो कम से कम साल में 1500 रुपए का आपको रिचार्ज कराना होगा, उसके बाद ये फोन आपका होगा और पता नहीं क्या नई कंडीशंस निकल जाए उसके बाद। अब मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में, आप फोन जितने समय में वापस करोगे उसके हिसाब से आपको कितना पैसा रिटर्न देना होगा उनको। अगर आप फोन एक साल के अंदर वापस देना चाहते हो और अपने 1500 रुपए वापस रिफंड चाहते हो तो आपको इसके लिए 1500 रुपए उल्टा उन्हें देने होंगे प्लस GST चार्ज देना होगा, यानी 1700-1800 रुपए के आसपास, तब जाकर आपको 1500 रुपए वापस मिलेंगे। और अगर आप 2 साल तक ये फोन रखते हो और फिर वापस करते हो तो आपको 1000 रुपए देने होंगे प्लस GST चार्ज। अब बात करते हैं 3 साल की, अगर आप 3 साल के अंदर अंदर ये फोन वापस देते हो तो आपको देने होंगे 500 रुपए प्लस GST चार्ज। अब ये कॉन्स्पिरेसी मेरी समझ में नहीं आई, ऐसा लगता है एक चक्रव्यूह में आपको बांध दिया है रिलायंस जियो ने। तो आखिर में सीधे सीधे शब्दों में एक ही बात कहूंगा, फोन फ्री नहीं है, 1500 रुपए तो आपको पहले ही देने होंगे प्लस फोन को इस्तेमाल करने के लिए आपको रिचार्ज कराना होगा। हाँ भाई, वो तो कराना ही होगा, लेकिन कंडीशन है 1500 रुपए का रिचार्ज होना चाहिए साल के भीतर, और अगर नहीं कराओगे तो कंपनी आपसे फोन वापस ले सकती है प्लस आपसे पैसे भी लेगी, वरना 3 सालों तक आप फोन को चलाते रहो और 1500 रुपए का हर साल रिचार्ज कराते रहो तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे मैं अपनी पर्सनली ओपिनियन बता दूं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये पॉसिबल है, बाकी एक बार आप लोग भी चेक कर सकते हैं, मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है ताकि आपको भी पता लग सके। और उसके बाद मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना, क्या रिलायंस जियो कस्टमर के साथ में ऐसा कर सकता है, क्या ये पॉसिबल है कि उल्टा आपको ही पैसे देने पड़ेंगे। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। तो दोस्तों बस आज की इस न्यूज में इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको न्यूज खतरनाक लगी होगी। बाकी आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय। It's by Esco.